तो सीताराम भाई शरण है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं राशियों और ग्रहों के अनुसार राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के मुकाबले के ही बारे में। तो गाइज मैंने पिछले मुकाबले की वीडियो तो नहीं लाई थी, लेकिन आपको टेलीग्राम पर जरूर बताया था कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा। मैंने गिने चुने ही खिलाड़ियों के बारे में बताया था। तो चलो अब हम आज बात कर लेते हैं इस मुकाबले के बारे में कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है, वो भी राशियों और ग्रहों के अनुसार। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा, वो है राजस्थान की तरफ से जिस खिलाड़ी का बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन रहेगा। वो खिलाड़ी हैं गाइज रविचंद्र अश्विन का इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। और रविचंद्र अश्विन के साथ साथ अगले नंबर पर नाम आता है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, इस खिलाड़ी का भी बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन रहने वाला है। वो खिलाड़ी हैं गाइस रयन प्रयाग का भी गाइस जिस मुकाबले में बहुत ही अच्छा खासा और शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। और अगले नंबर पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस दो खिलाड़ियों की। उन दोनों खिलाड़ियों का वैसे मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं इसीलिए आपको बता दूं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नज़र आ रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों का भी बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन रहने वाला है, यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ, इन खिलाड़ियों पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। वे दो खिलाड़ी हैं गाइस यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर। इन दोनों का भी ऐसे ज़्यादातर तो ऐसे नज़र आ रहा है कि अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी है, इसलिए मैं आपको पहले से ही सतर्क कर रहा हूँ और आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के ही बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स के बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेयरों के बारे में पता चला है गाइस, बहुत ज़्यादा प्लेयरों की मैंने राशि और ग्रहों के अनुसार सभी की राशि चेक की है। तो सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नाम आता है इस खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है, वो है गाइस पृथ्वी शाह का इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन रहेगा और बहुत ही अच्छे खासे रन भी बनाएंगे इस मुकाबले में पृथ्वी शाह। और अगले नंबर पर नाम आता है गाइस इनके कप्तान ऋषभ पंत। जी हाँ गाइस, ऋषभ पंत का भी इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है राशियों और ग्रहों के अनुसार। तो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ दिन जिन खिलाड़ियों का मध्य प्रदर्शन रहने वाला है। वो खिलाड़ी हैं गाइस कुलदीप यादव का इस मुकाबले में मध्य प्रदर्शन रहेगा, यानी कि बीच का प्रदर्शन रहेगा कुलदीप यादव का। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ियों के ही बारे में। कुलदीप यादव का तो मध्य प्रदर्शन रहने वाला है, और एक और खिलाड़ी हैं गाइस जिनका भी मध्य प्रदर्शन रहेगा, वो हैं मुकेश कुमार, यानी कि एम कुमार का भी इस मुकाबले में मध्य प्रदर्शन रहने वाला है। अगले नंबर पर नाम आता है गाइस ईशांत शर्मा का। इस खिलाड़ी का मध्य प्रदर्शन तो पक्का रहेगा, लेकिन 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 ये मध्य से अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इस खिलाड़ी के बारे में पहले ही बता रहा हूँ। और अब मैं गाइस उन खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन खिलाड़ियों का इस मुकाबले में मध्य प्रदर्शन रहेगा, वरना मध्य से कम का भी प्रदर्शन रह सकता है। वो खिलाड़ी हैं गाइस मिचेल मार्श, जिसके बारे में आप सभी लोग जरूर पूछना चाहोगे। मिचेल मार्श का चाहे तो मध्य प्रदर्शन रहेगा गाइस, वरना मध्य से कम का भी प्रदर्शन रह सकता है मिचेल मार्श का। और ऐसा ही प्रदर्शन रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के एक और ऑलराउंडर का, उस ऑलराउंडर को आप सभी लोग ही जानते हैं। वो खिलाड़ी हैं गाइस अक्षर पटेल। जी हाँ गाइस, अक्षर पटेल का भी इस मुकाबले में मध्य से कम का प्रदर्शन रहेगा या मध्य प्रदर्शन रहेगा। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।